चेन्नई के प्रमुख स्थानों में से एक माने जाने वाला मरीना बीच चेन्नई। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मरीना बीच आप कैसे जाएंगे और क्या क्या चीज़ें हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आपको बता दें दोस्तों कि मरीना बीच जो कि दक्षिण भारत के चेत्र महानगर में के बीच में स्थित है, जहाँ पे विश्व के सबसे लंबे तट में से एक माना जाता है और भारत के सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तटों में से एक माने जाने वाला मरीना बीच, जो कि काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। 13 किलोमीटर लंबा जो है, यहाँ से आपको रेतीली नदी दक्षिण के वाइस नगर से उत्तर से फोर्ट सेंट जॉर्ज तक फैला हुआ है पूरी तरीके से। जब यहाँ कभी लोग जाते हैं तो पूरी तरीके से इसी तरीके से आपको मिलेगा रेतीला जो है, रेत रखा हुआ है, और उसी के सामने जो है आपको मिल जाएगा बीच जहाँ पे समुद्र है। और ये जो है तमिलनाडु, जब आप जाएंगे चेन्नई जाएंगे तो ये जो है बंगाल की खाड़ी से मौजूद है, मतलब सटा हुआ है, दीघा वगैरह से आके ये रुकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, क्रिकेट वगैरह लोग खेलते हैं, बच्चों के लिए खाने पीने का सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है, साथ साथ में झूले वगैरह लगाए गए, कुछ गाड़ियाँ वगैरह मौजूद है। हालांकि अभी जो है यहाँ पे रोक लगाया गया नहाने के लिए, लेकिन लोगों की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, हजारों हजार लोग पहुँचते हैं दुनिया भर से, और काफ़ी अच्छे स्थानों में से एक माना जाता है। तो बीच का जब भी आप प्लान करते हैं तो मरीना बीच ज़रूर जाएं चेन्नई का, जो कि यहाँ पे जाने के लिए हम आपको बताते हैं सबसे सही साधन जो है मरीना बीच जाने के लिए। अगर आप रेलवे स्टेशन से जाते हैं तो चेन्नई रेलवे स्टेशन, सेंट्रल रेलवे स्टेशन, वहाँ से आपको कैब वगैरह, बसें वगैरह मिल जाएगी जो कि यहाँ पर छोड़ेगी। इसके साथ साथ यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की बात करें तो चेपक है, थिरुनेलवेली है, और एक लाइट हाउस जो है रेलवे स्टेशन है जो कि इसके नियरेस्ट में है। एंड अगर आप एयरपोर्ट के माध्यम से जाना चाहते हैं फ्लाइट के माध्यम से, तो अन्ना इंटरनेशनल हवाई अड्डा है जहां से आपको बस वगैरह टैक्सी वगैरह मिल जाएगा, और 45 मिनट वहां से लगेगी। 19 किलोमीटर की दूरी पे मरीना बीच आप पहुंच जाएंगे और फिर यहाँ पर आप घूम सकते हैं। समुद्र तट के सामने ही बहुत सारी चीज़ें बनाया गया है जो कि आप देख सकते हैं, कामगार की मूर्ति, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, इस तरीके से बहुत सारी प्रतिमाएँ जो हैं वो शामिल है जो कि यहाँ पे बनाया गया। तो ये मरीना बीच शहर में जब आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। अधिकतर यहाँ गर्मी के दिनों में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, लोग दूर दूर से आते हैं। बोटिंग का सुविधा अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन अभी बंद कर दिया गया लहर के कारण, लेकिन अवेलेबल रहता है, बोटिंग वगैरह आप कर सकते हैं, यहाँ पर खाना पीना खा सकते हैं, रेस्टोरेंट मिल जाएगा, डब वगैरह मिल जाएगा, और देखिए कितने सारे लोग आए हुए। तो ये जो है पूरा मरीना बीच का हम आपको दिखा, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है और बहुत ही शानदार है दोस्तों। चौड़ाई की बात करें तो 300 मीटर है जो कि 980 फीट, जबकि पश्चिमी चौड़ाई की बात करें तो 437 मीटर है, 1434 फीट। और मरीना बीच जो है खतरों को देखते हुए जो है बहुत ही ज़्यादा, अभी स्नान जो है बंद कर दिया गया, लेकिन ये फिर से चालू हो जाएगा, और देख सकते हैं इस तरीके से। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन था मरीना बीच का। जब यहाँ पर लहर आते हैं तो देखने में एक अलग ही आपको देखने का मूवमेंट बनेगा। लोगों की जनसंख्या भी देखिए काफ़ी ज़्यादा है, शाम शाम को लोग जाते हैं, दिन में जाते हैं, और चेन्नई का प्लान जब आप कर रहे हैं तो ये मरीना बीच, और एक और वीडियो हमने बनाया जिसमें से आपको MGM जो है वाटर पार्क बताया कैसे जाएंगे, तो इन सभी जगह पे आप ज़रूर घूमें, बहुत ही बेहतरीन प्लेस है, बहुत ही सुंदर जगह है, चेन्नई का प्रसिद्ध स्थानों में से एक माना जाता है और देश के दूसरे सबसे बड़े समुद्र तटों की में गिना जाता है इसको। इसके साथ साथ भारत में बात करें तो ये पहला स्थान है जहाँ पे इतने बड़े जो है बीच है, तो ये आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा बनाया गया। और लोगों की जनसंख्या भी हमेशा भीड़ होती है, सुबह जाए शाम जाए, लोगों की जनसंख्या मेन रोड के बगल पे ही पड़ता है दोस्तों, यहाँ से सिटी भी जा सकते हैं, जो कि ये जो है नियरेस्ट है, और यहाँ से जो है अगले जो है बॉर्डर वो आपका बंगाल की ओर पड़ जाता है, वेस्ट बंगाल की ओर, दीघा की ओर, जो कि उधर मिल जाती है। तो ये रोड है, रोड के किनारे है, सनसेट और सूर्योदय जो होता है वो, सनराइज और सनसेट, ये देखने का बहुत ही बेहतरीन पल रहता है, आप देख सकते हैं अभी सनसेट। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सुबह और शाम को तो बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी, क्योंकि लोग सनसेट और सनराइज में जाते हैं देखने के लिए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन पल होता है। और देखिए कुछ लोग नहाते भी हैं, क्योंकि हालांकि रिस्ट्रिक्शन है लेकिन लोग नहाते हैं बहुत ही, लेकिन ज़्यादा दूर आप ना जाएं, जब भी नहाएं तो नज़दीक में नहाएं, देख लें लहर कैसा है। और चूँकि इसका जो है आगे पीछे होती ही रहता है, कभी चेंज होती ही रहता है लहर, कभी ज़्यादा आ गया कभी कम आ गया, तो वो आपको देखना पड़ेगा, उस हिसाब से आप स्नान करें। दीघा इसके सटे हुए शहर है जो कि बंगाल में पड़ता है, ये समुद्र तट उधर से ही मिलता है, तो उसका वीडियो हमने बनाया, उसका भी आप देख सकते हैं, आई बटन में मिल जाएगा, दीघा का पूरा जानकारी दिखाया कैसे आप जाएंगे और वहाँ
वहाँ पे क्या क्या चीज़ें, 4 दिनों का खर्चा क्या लगेगा, सभी चीज़ें उसमें बताया, तो उसको भी वीडियो आप देख सकते हैं। ये पूरा जानकारी था मरीना बीच का। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा, जो कि चेन्नई में मौजूद है, चेन्नई जो कि मद्रास जिसे कहते हैं, चेन्नई भी कहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान दें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।